और हम करने क्या वाले हैं, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन, या फिर दूसरे शब्दों में, देसी शब्दों में बोला जाए तो जितनी भी याद करने वाली रिएक्शंस हैं उनको हम करने वाले हैं। और आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है, ये 100% सच है कि हम इस वीडियो में इन रिएक्शंस को याद करके जाएंगे, हैशटैग याद करके जाएंगे, हैशटैग नीट पर जीत, नीट पर जीत एक बार हो जाए कमेंट में और याद करके जाएंगे। देखो मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बता दूं, नेम रिएक्शन यानी अपने को इनको याद करना है कि डायरेक्ट एग्जाम में आ गई, डायरेक्ट अपने दिमाग में फिट होना चाहिए कि रोजेनमंड मतलब ये वाली रिएक्शन, स्टीफन मतलब ये वाली रिएक्शन, इटार्ड मतलब ये वाली रिएक्शन, एल्डोल मतलब ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं। अब देखो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, मैं करूंगा ट्रिक्स का इस्तेमाल। और ये मेरी गारंटी है कि कभी भी आपको वन लेटर वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा, कंप्लीट ट्रिक बताऊंगा जो आपकी रिएक्शन को कंप्लीट करके जाएगी। तो मैं करूंगा ट्रिक्स का इस्तेमाल, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आप चाहो तो, आपका मन करे तो, आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, हम किसी भी रिएक्शन की बात करें, यहां पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन की बात करें तो हमें अपनी 5वीं क्लास से पता है कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, कि हमें रिएक्टेंट से क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है। और यहां अपना क्या यूज होता है, रिएजेंट यूज होता है। ये कोई भी स्टैंडर्ड रिएक्शन है कि रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है और यहां पे रिएजेंट यूज होता है। ये सिंपल सा फंडा है जो हमें 5वीं क्लास से पता है। अब देखो कोई भी नेम रिएक्शन अगर हमें याद करनी है, नेम रिएक्शन अगर हमें याद करनी है तो पहली चीज उसका नेम है ना, उसका नाम क्या है, जैसे कि स्टीफन रिएक्शन है, जैसे कि रोजेनमंड रिएक्शन है, तो पहली चीज तो हमें उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या याद होना चाहिए कि मान लो रोजेनमंड उसका नाम अपने सामने आ गया तो कैसे बताएं कि रोजेनमंड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, रिएजेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या था, है ना। या फिर मान लो आपके पास सामने स्टीफन रिएक्शन आ गई तो स्टीफन रिएक्शन उसका नाम है ना, स्टीफन उसका नाम है और उसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और रिएजेंट क्या है, ये अपने सामने टास्क आएंगे किसी भी नेम रिएक्शन को याद करते हुए, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट याद करेंगे, रिएजेंट याद करेंगे और प्रोडक्ट याद करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम ऐसी नेम रिएक्शन देखने वाले हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो एक एल्डिहाइड होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं, ऐसी रिएक्शन जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा। अब कौन सा एल्डिहाइड होगा, तो सिंपल सी बात है, कार्बन के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे, जितने कार्बन इधर है उतने कार्बन उधर है उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनका प्रोडक्ट एल्डिहाइड है उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। देखो रोजर फेडरर है ना, टेनिस का एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम सबको पता है, क्या नाम है, रोजर फेडरर, है ना, सिर्फ हमें रोजर से काम है। तो रोजर फेडरर जो है वो कहां का है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। तो स्विट्जरलैंड, एस फॉर स्विट्जरलैंड का रहने वाला कौन है, रोजर, रोजर यानी RGER। ठीक है, क्या है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला कौन है, रोजर है, RGER। तो ये वो रिएक्शन है जिनका प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड है। अब स्विट्जरलैंड का है रोजर, तो इससे अपने पास क्या आया, इससे अपने पास क्या आया, देखो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है रोजर, RGER। तो S से अपने पास कौन सी रिएक्शन आई, S से अपने पास आई स्टीफन रिएक्शन, और R से अपने पास आई रोजेनमंड रिएक्शन, और G से अपने पास आई गेटरमैन कोच रिएक्शन, और E से अपने पास आई इटार्ड रिएक्शन, और R से अपने पास आई क्या, रिमर टीमन रिएक्शन। तो पहली बात तो यही क्लियर होगी कि इन सारी रिएक्शन में, इन सारी नेम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। ये बात तो यहीं पे क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें देखो बारी बारी से बात करनी पड़ेगी कि स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, अब हम इनकी ट्रिक देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, रोजेनमंड रिएक्शन की बात करने वाले हैं। अपने पेन की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और आगे हम अब बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये वर्ड अपने सामने, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है,
इसको थोड़ा पतला, ठीक है। तो रोजनमंड है ना, ये वर्ड अपने सामने आ गया, तो इसमें से आपको क्या उठाना है, सिर्फ रोज उठाना है, इसमें से आपको सिर्फ रोज उठाना है। तो रोज कहां पड़ा था, रोज कहां पड़ा था, लैंड यानी जमीन पे पड़ा था, ठीक है। रोज रोज कहां पे पड़ा था, लैंड यानी जमीन पे पड़ा था, और वो किसको मिल गया, राहुल को मिल गया। कब मिल गया, कल मिल गया, कब मिल गया, कल मिल गया। तो राहुल को कल, है ना, राहुल को कल लैंड यानी जमीन पर क्या पड़ा हुआ मिला, रोज यानी गुलाब का फूल पड़ा हुआ मिला। अब पहली बात देखो, रोजनमंड आपके सामने आ गई, तो ये तो हमें इस वाली ट्रिक से पता है कि क्या है, रोजनमंड वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब यहां पे लैंड से अपने को क्या याद आएगा, इसको थोड़ा सा और बतला करते हैं, लैंड से अपने को याद आएगा लिंडलार कैटलिस्ट, इससे याद आएगा अपने को लिंडलार कैटलिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने पास बन चुका है, रिएजेंट अपने पास बन चुका है, अब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट चाहिए, अब अपने को रिएक्टेंट चाहिए, तो ये अपना रिएक्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना रिएक्टेंट हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल, तो ये है अपनी रिएक्शन। और रोज से अपने को क्या याद आ जाएगा कि ये रिएक्शन रोजनमंड वाली रिएक्शन है ना, राहुल को कल लैंड यानी जमीन पर रोज यानी गुलाब का फूल मिला। सारी बातें हमें पता चल चुकी हैं, प्रोडक्ट अपने पास है, रिएक्टेंट अपने पास है, रिएजेंट अपने पास है, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टीफन रिएक्शन की। देखो अपनी वो वाली ट्रिक है कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला है रोजर, उससे एक बात तो हमें पता चल गई कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एक रिएक्टेंट चाहिए, और रिएजेंट को मैं स्मॉल आर लिख देता हूं, एक रिएक्टेंट चाहिए, एक रिएजेंट चाहिए, ठीक है। अब ये सिंपल सी ट्रिक है, स्टीफन, स्टीफन जब भी आपके सामने नाम आ जाए ना, तो याद रखना स्टीफन किसी इंसान का नाम है ना, जाहिर सी बात है उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ा है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि स्टीफन जो साइंटिस्ट था वो क्या था, रशियन था, स्टीफन जो साइंटिस्ट था वो क्या था, रशियन था, और रशियन से अपने को याद आएगा आरसीएन, ये क्या है, रशियन, आर सी एन, यानी अपने को ये क्या मिल चुका है, अब यहां पे ये क्या, अपने को रिएक्टेंट मिल चुका है, रिएक्टेंट भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए, तो वो अपने को इस एस से याद आएगा। देखो स्टीफन रशियन था, यानी ये स्टीफन रिएक्शन की ट्रिक है अपनी, है ना, और एस से अपने को याद आएगा SnCl2HCl, ये वाला आपको कहीं भी रिएजेंट दिखे, और क्या है, और रिएक्टेंट आपको रशियन दिखे यानी RCN दिखे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टीफन रिएक्शन होते हैं। ये कैसे याद आएगा, S4 Stephen S4 SnCl2, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। फिर से वही बात है, इटार्ड रिएक्शन स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस वाली ट्रिक से, प्रोडक्ट तो इसका हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें रिएजेंट चाहिए और एक हमें रिएक्टेंट चाहिए, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है, टोलू राम है सरकारी नौकरी करता है, अब सरकारी नौकरी करते करते क्या है, ये बेचारा बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र हो गई है, तो उम्र हो गई है तो इसको रिटायर करो, ठीक है, क्या है, टोलू राम को रिटायर करो। तो टोलू से अपने को याद आई टोलुइन, और रिटायर से अपने को याद आएगा इटायर। इटायर यानी ये रिएक्शन किसकी है, इटार्ड रिएक्शन है, ये ट्रिक किसकी है, इटार्ड रिएक्शन की ट्रिक है, ठीक है। और इससे क्या याद आएगा, करो से याद आ जाएगा अपने को क्रोमिल क्लोराइड, है ना, क्या है, CrO2Cl2, ये अपने को याद आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या होगा, टोलुइन अपना क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन की ये ट्रिक है, CrO2Cl2 ये अपना रिएजेंट हो गया, और प्रोडक्ट अपने पास ऑलरेडी है, एक एल्डिहाइड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं वन वर्ड ट्रिक नहीं बनाता, वन वर्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चलेगा ये ट्रिक किस चीज की थी। अब जैसे ये ट्रिक है ना, इसमें ऑटोमेटिकली आ गया ये ट्रिक किसकी है, इटार्ड रिएक्शन की, है ना। और भी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने यहां पे बताई थी, है ना, ट्रिक में, कि राहुल को कर लैंड जमीन पर रोज मिला, तो रोजनमंड की ट्रिक है ये, अपने आप याद आ जाएगा। स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट है, तो स्टीफन रिएक्शन की ट्रिक है, अपने आप आपको ये याद आ जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन की। देखो अपनी ट्रिक से वो तो याद है अपने को कि प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन में आप देखो यहां पर देखो कि यहां पर क्या है, बेंजीन पे हमने क्या जोड़ दिया है, हमें पता है प्रोडक्ट में अपने को एक एल्डिहाइड मिलेगा, तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ दिया है बेंजीन पे, ठीक है। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन हम कहां से प्रोवाइड करा देंगे इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रोवाइड करा देंगे, और HCl देखो ये क्या है अपना H है, तो हाइड्रोजन कौन देता है, हाइड्रोजन आयन कौन देता है, ऐसे याद कर लेना कि कोई भी एसिड होता है जैसे कि HCl होता है तो वो H+ आयन देता है। तो सी कार्बन और ये ऑक्सीजन कहां से मिल जाएंगी, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल जाएंगी, और हाइड्रोजन इसको HCl यानी एसिड से मिल जाएगा, टोटल बनके ये चिपक जाएगा यहां पे, लॉजिकल बात है, अपने को ये भी याद हो चुकी है बड़ी आसानी से। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने जाने हैं, रीमर टीमन। देखो ऐसे याद कर लेना इसको, रीमर और टीमन जो थे वो दो भाई थे, मैंने क्या बोला, रीमर और टीमन जो थे वो दो भाई थे, और दो भाई क्या थे, वो बहुत ही अल्कोहल पीते थे और अल्कोहल के ऊपर ही क्या वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, ठीक है। तो वो जो अल्कोहल पीते थे, है ना, अल्कोहल यानी मान लो फिनोल भी तो क्या होता है, एक अल्कोहल ही होता है, तो वो क्या पीते थे, फिनोल ही पीते थे। तो वो जो अल्कोहल यानी फिनोल पीते थे, तो उसका नशा जो है ना वो बहुत जल्दी उतर जाता था, तो दोनों भाइयों ने क्या किया, आपस में डिस्कस किया कि यार ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं, है ना, फिनोल में ऐसा कुछ मिला देते हैं, मैंने क्या बोला, अल्कोहल यानी फिनोल में ऐसा कुछ मिला देते हैं कि जो नशा है वो एक दिन में ना उतरे वो सालों तक चले, है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, ठीक है, फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया। अब हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म आपने देखा है ना मूवीज में, वो रुमाल पे डाल के फिर सुंघा के वो किडनैप करके ले जाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, नशा होता है। तो ये उन्होंने डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया, कि फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला देते हैं, फिर जो उसका नशा है वो सालों तक चलेगा, सालों यानी सैलिसिलडिहाइड अपने को याद आ जाएगा, करना सिर्फ सिंपल सा है, जो फिनोल है फिनोल आपको लिख लेना है और उसके ऊपर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप चिपका देना है, क्योंकि देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहां पे अपनी जो रिएक्शन थी ना अपनी, क्या थी, स्विट्जरलैंड का रोजर, ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इन सब में प्रोडक्ट हमने देखा क्या मिला था, एल्डिहाइड मिला था, ठीक है। अब ये वाली चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट अपनी दो रिएक्शन है, एक है एल्डोल कंडेंसेशन, एक है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब इनमें क्या क्या कंफ्यूजन होती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली इसमें कंफ्यूजन होती है कि दोनों में बेस यूज होता है, और कौन सा बेस यूज होगा, किसमें डाइल्यूट होगा, किसमें कंसंट्रेटेड होगा। तो जाहिर सी बात है उसकी सिंपल सी ट्रिक है कि C4 कैनिजारो और C4 क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो इसमें जो बेस यूज होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड बेस इसमें यूज होगा, ठीक है। और इधर बात करें तो ये कंसंट्रेटेड है, तो ठीक इसके ऑपोजिट एल्डोल कंडेंसेशन में हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट बेस इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें कंसंट्रेटेड बेस, इसमें डाइल्यूट बेस, पहली कंफ्यूजन क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एल्डोल के बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो एल्डोल की ट्रिक बताने के लिए मैं वर्ड आपके सामने लिख लेता हूं, एल्डोल। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, देखो एक तो हमें ALD ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमें याद दिलाएगा क्या, एल्डिहाइड की कि ये रिएक्शन है एल्डिहाइड के लिए। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, दो अल्फा हाइड्रोजन अपने को चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या बोला कि ALD अपने को याद दिलाएगा कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए है, और दो अपने को याद दिलाएगा कि इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन अपने को चाहिए। तो अब इस रिएक्शन का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, देखो ऐसे एल्डिहाइड, अबे ये क्या हो गया, हाँ, तो अब मैं बोलने जा रहा हूं, अपना फ्लो पकड़ने जा रहा हूं। देखो
ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन हो, उनपे क्या करो आप डाइल्यूट बेस का यूज करा दो, तो उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बात खत्म है। मैंने क्या बोला, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो डाइल्यूट बेस के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। बात खत्म है। अब बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। देखो कैनिजारो रिएक्शन भी कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। अपने कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। पर कैसे कैसे एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन की कंफ्यूजन आएगी, तो यहां पे है नी, नी मतलब नहीं, नी मतलब नहीं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, नहीं हो यानी अब्सेंट हो, तो यहां पे फर्क दिखा कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन थे वो ये वाली रिएक्शन देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही अब्सेंट हो वो कौन सी देते हैं, कैनिजारो देते हैं। और बेस की बात हमने कर ली, इसमें कंसेंट है, इसमें डाइल्यूट है, एनसीईआरटी में चेक करो, आपकी रिएक्शन आपके माइंड में फिट हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट अपनी तीन नेम रिएक्शन है कौन सी, वुर्ज रिएक्शन, दूसरी है फिटिग रिएक्शन और तीसरी है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। नाम से ही कवर हो रहा है कि ये है अकेली वुर्ज, ये है फिटिग और ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो तीनों में जो रिएजेंट तो यूज होगा, तीनों में क्या है, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर एंड सोडियम ड्राई ईथर। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है, देखो जिस रिएक्शन में दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप है यानी बिना रिंग वाले हैं, बिना रिंग वाले हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, और जिस रिएक्शन में दोनों क्या है, रिंग वाले हैं, देखो ये भी रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये भी क्या है, रिंग है ना, तो जिसमें दोनों रिंग वाले हैं यानी अराइल ग्रुप हैं, वो कौन सी हो जाएगी अपनी, फिटिग रिएक्शन हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी अपनी, फिटिग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और जिस रिएक्शन में एक हो एल्काइल ग्रुप यानी बिना रिंग वाला और एक हो रिंग वाला ग्रुप हो, वो कौन सी हो जाएगी, दोनों का मिक्सचर, देखो इसमें दोनों रिंग, इसमें दोनों बिना रिंग के, तो ये हो जाएगी वुर्ज फिटिक रिएक्शन। सिंपल है, प्रोडक्ट भी ऐसे बन रहा है, देखो इसमें बिना रिंग है तो प्रोडक्ट डायरेक्ट आर और आर को जोड़ दो, इसमें क्या है दोनों रिंग है तो दोनों रिंग को जोड़ दो, इसमें एक है एल्काइल ग्रुप एक है रिंग वाला ग्रुप, तो दोनों को जोड़ दो आपस में, सिंपल है ना, और ये वुर्ज फिटिक दोनों का मिक्सचर है। एक बार फिर से करते हैं कि वुर्ज रिएक्शन में दोनों क्या है, बिना रिंग वाले हैं, दोनों बिना रिंग वाले हैं, और फिटिग रिएक्शन में दोनों क्या है, रिंग वाले हैं। ठीक है, और वुर्ज फिटिंग में दोनों का मिक्सचर है, तो एक होगा बिना रिंग वाला एक होगा रिंग वाला, तो प्रोडक्ट भी वैसा ही बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी याद इसमें नहीं करना था। अब नेक्स्ट है अपनी दो रिएक्शन जिनमें से एक का नाम है क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी का नाम क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, दोनों ही क्या है, रिडक्शन है। पहले देखते हैं कि इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, इन रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखो ये अपने पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी या तो ये एक एल्डिहाइड है या फिर ये एक कीटोन है। सेम ये भी क्या है, अपने पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी या तो ये एक एल्डिहाइड है या एक कीटोन है। तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन, रिडक्शन 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 हो रही है, किसमें, एल्केन में। देख सकते हो आप किसमें रिडक्शन हो रही है, एल्केन में, किसमें रिडक्शन हो रही है, एल्केन में। तो पहली बात तो हमें यही पता चल गई, चाहे क्लेमेंसन हो चाहे वुल्फ किशनर हो, दोनों में क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन होगी, किसमें, एक एल्केन में। अब मेन बात क्या है, जो कंफ्यूजन वाली बात है, वो है कि इनके रिएजेंट को कैसे याद करें, यही इसमें मेन बात रहती है। अब रिएजेंट को कैसे याद करें, तो सिंपल सी ट्रिक है। देखो क्लेम है ना, ये क्लेमेंसन से अपने को क्या याद आएगा, कि किसी के लिए हम अपना सिर कलम करवा सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको गलत साइड में मत लेके जाना है ना, और कमेंट में ये मत बताना कि किसके लिए करवा सकते हैं। तो किसी के लिए अगर हम अपना सिर कलम करवा सकते हैं, मतलब क्या है, उसके लिए हमारी जान जो है वो हाजिर है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है, तेरे लिए तो मैं अपना सिर कलम करवा लूं। तो इससे अपना ये याद आ जाएगा कंप्लीट है कि क्लेमेंसन में जिंक और एचजी वाला है। तो क्लेमेंसन क्लियर है। अब आती है वुल्फ किशनर। देखो किसी लड़के का नाम किशन है, किसी लड़के का नाम क्या है, किशन है, और किशन के पीछे क्या पड़ गया, वुल्फ यानी भेड़िया पड़ गया। किशन के पीछे भेड़िया पड़ गया, भेड़िया क्या करेगा, उसको खा जाएगा। अब किशन क्या है, बेचारा भागते भागते चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं, क्या चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं मुझे मत खाओ। तो नहीं नहीं से अपने को याद आ जाएगा कि NH2
NH2 वाली कौन सी है, वुल्फ किशनर रिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या है, नेम रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कौन से वाले में, सेकंड पार्ट के लिए। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और पीते रहिए अब बहुत सारा पानी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।